The first award in this category is Meteor Award, and this award goes to this colleague who always goes above and beyond. आज से नहीं, कल रात से बाप रे इतनी बारिश हो रही है ना नोएडा NCR में, दिल्ली NCR में भी हो रही होगी, दिल्ली में भी हो रही होगी आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा बारिश है, अभी भी सुबह के 9 बज रहे हैं और बारिश हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ बन रहे हैं आज दोनों बच्चों के लिए आलू के पराठे। कल दोपहर से थोड़ी सी ना बूंदाबांदी शुरू हो गई थी जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी ना, उसके बाद शाम में बारिश शुरू हुई, उसके बाद रात में इतनी हुई कि पूछो मत। और अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बीच बीच में रुक रही है, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार कल से सीरियसली। सो अभी बस यही सोच रहे हैं हम बच्चों को आज स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल बना लेते हैं नाश्ता। वेलकम बैक। सो सुबह के बाद नाश्ता वाश्ता सब हो चुका था, उसके बाद अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो हम लोगों को एक जगह जाना भी था तो हम लोगों ने फिर दोनों को ही नहीं भेजा। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं और बच्चे निकल रहे हैं एक जगह के लिए। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, वो आपको आगे वाले व्लॉग में पता लग जाएगा। सो हाँ, सब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और चीनू भी वहाँ पर रेडी है, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने पहना है आज, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने पहना है अपना ये ओवरकोट, नीचे दिख नहीं रहा पूरा, वाइट कलर का मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है और ये हाई नेक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस कोट को बंद करके जाऊँ या खोल के जाऊँ, लेट्स सी देखते हैं क्या करती हूँ। तो बस गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब मैंने कैब भी बुक कर दी, कैब वाले भैया भी आने वाले हैं, तो मिलते हैं अब आपसे डायरेक्टली वेन्यू पे। स्टे विद मी। ये तो कैंडोर है मम्मी। हाँ, कहाँ पहुंचे हम लोग? आप आके हो ऑफिस? हम पहुंचे हैं बाबा के ऑफिस। चीनू शांत हो जाता है। तू 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 क्या? मैं अभी इसको छोड़ के आ जाती हूँ, स्कूल ले जाती हूँ अभी। चलो ले जाओ स्कूल, अभी लेके जाओ। सो गाइज हम लोग पहुंचे थे आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस। आज इनके ऑफिस में एक अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें जितने भी अवार्ड विनर्स थे ना उनकी फैमिलीज को इनवाइट किया था, एक गेट टुगेदर था, एक मीटअप था आप जिसे समझ सकते हैं। सो ये इनके ऑफिस का एक रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डेकोरेशन अरेंजमेंट किया हुआ था, तो सारे लोग यहाँ पे अपने फैमिलीज के साथ फोटोज ले रहे थे, यहाँ पे एक फ्रेम बनाया हुआ था। सो हम लोग भी वहाँ पे लोगों के साथ मुलाकात की, थोड़ा सा हम लोगों ने भी फोटो वोटो लिया। और यहाँ पे अब हम लोग कैफेटेरिया पहुंच गए हैं जहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। इससे पहले हम लोगों को उनके अंदर ऑफिस का विजिट भी कराया था, उनका वर्क स्टेशन भी दिखाया गया था, बट वहाँ पे हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर सकते थे, उनका कुछ कंप्लायंस होते हैं। सो वहाँ का मैंने कुछ शूट किया। सो ये इनका पूरा कैफेटेरिया है जहाँ पे ये लोग लंच ब्रेकफास्ट डिनर भी करते हैं कई बार। सो यहीं पे सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो हम लोग अभी इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना उन सबका वेट कर रहे थे। इन द मीन टाइम बच्चे वहाँ पे अपना इंटरेक्ट कर रहे थे, हम लोग भी बाकी लोगों से मिल रहे थे। सो Yeah.
चीनू कह रहा मैं तो बोर हो रहा हूँ। जितना बच्चा क्यों नहीं है यहाँ पर? अभी आएंगे आएंगे। नॉमिनेशन होती है किसी का नाम, जैसे वो कहते हैं ना इलेक्शन में नाम उठाया जाता है, तो उसमें 100 लोग होंगे, उसमें से फिर उसमें से द फर्स्ट अवार्ड इन दिस कैटेगरी इज टीचर अवार्ड एंड दिस अवार्ड गोज टू दिस कॉलीग हु ऑलवेज गोज अबव एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस एंड एग्जिबिट्स एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ही इज अ यूनिक लीडर एट सवस्था बिकॉज ऑफ हिज अनवेवरिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेडिकेशन टू इनकरेजिंग पॉजिटिव चेंज एंड द अवार्ड गोज टू चुप हो जा कर्ष, मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी के बाद हुआ हम लोगों का रिफ्रेशमेंट। हाई टी था बट ये मुझे हाई टी नहीं लग रहा था, कुछ ज्यादा ही था। खैर हम लोगों ने खाना काफी यहाँ पे एंजॉय किया, बच्चों को भी काफी पसंद आया। फूड मजा आ रहा है। मोटे रसमलाई भी थी, रसमलाई भी खा लेता, रसमलाई भी खा लेता। हाय गाइस वेलकम बैक। सो आ चुके हैं हम लोग वापस। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग गए थे यशवंत के ऑफिस में बिकॉज आज उनके ऑफिस में थी अवार्ड सेरेमनी जिसमें यशवंत की टीम को, यशवंत और यशवंत की टीम को भी अवार्ड मिला था। तो उसमें हम सबकी फैमिलीज को वहाँ पे इनवाइट किया था, देन वही जो गेट टुगेदर वगैरह सब होता है वो सब हुआ। और अभी बज रहे हैं 7:30, हम लोग 7 बजे के आसपास आ गए थे और अभी इतनी थकान हो गई ना मेरी, मतलब इतनी देर बैठ बैठ के ना आदत नहीं रही ना। आप पहले तो आदत थी सुबह के गए शाम को आए ऑफिस में बैठे रहते थे, बट अब एक ही जगह पर आप बैठे रहो और मतलब सुन रहे हो और आप बैठे हो तो ना इतनी थकान हो गई थी ना वहाँ पे भी, मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही कि पूछो मत। तो यशवंत तो अभी ऑफिस में ही है, वो तो लेट ही आएंगे। हम लोग कैब से वापस आ गए थे। सो बस अभी चाय वाय हमने पी है, खाना बना आज बनाना नहीं है क्योंकि इतना वहाँ पे खा लिया था ऑलरेडी,
काफी कुछ था, तो अब खाना खाने की तो कोई लोड नहीं है। बच्चों को भी मुझे नहीं लगता अब कोई भूख लगेगी, पिज्ज़ा विज्ज़ा अच्छे से खा कर आए हैं दोनों के दोनों। सो उत्सव तो नहीं खाता है पिज्ज़ा, खैर उत्सव में तो कुछ खास खाया नहीं, बट एज सच अब इतनी भूख लगने वाली है नहीं रात में, तो अब खाना बनाने की कोई लोड नहीं है। यशवंत का वेट कर रहे हैं और इस टाइम मुझे इतनी नींद आ रही ना, मन कर रहा है बस अभी सो जाऊं। उत्सव उत्सव बस आती अपना टीवी देखने लग गया है। उषी बेटा अब टीवी बंद कर दो, आ जाओ मम्मा पास। उत्सव और उसका टीवी, चलो खोलो खोलो उषी, देखते कौन अनबॉक्सिंग करता है। उषी उषी आप करो, आराम से करना चाहिए, आराम से खोलते हैं बेटा, ऐसे ही खोलते हैं, रैपर की कोई वैल्यू नहीं है। ओ यशवंत ये तो वो मिला है, बोरोसिल का डिनर सेट, बोरोसिल का डिनर सेट। हाँ मुझे तो वैसे ही मिल गया डिनर सेट, नाइस 27 पीसेस, गुड जॉब। छोड़ो छोड़ो, अरे आपके मतलब पर नहीं है, इसमें क्या करोगे आप। तो गाइज ये वाला गिफ्ट भी ना यशवंत के ऑफिस से ही मिला था। बेसिकली जितनी भी फैमिलीज हम लोग आए थे ना, तो ये फैमिलीज को एक उनके ऑफिस की तरफ से एक गिफ्ट था, एक यू नो टोकन ऑफ क्या कहते हैं उसे, थैंक्स आप कह सकते हो। मतलब वो सारी फैमिलीज जितने भी वहां पे आई थी उनको उन्होंने कंपनी ने एक थैंक्स के लिए इस तरीके का गिफ्ट दिया था, तो काफी अच्छा था। ये बोरोसिल का डिनर सेट था, 27 पीसेस थे, इसे काम ही आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।